हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत ही जल्दी प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि मेकअप क्या है। मैं चाहती हूँ आप लोग मेकअप सीखने से पहले, मेकअप स्टार्ट करने से पहले मेकअप के बारे में जान ले कि मेकअप है क्या। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेकअप एक नेचुरल ब्यूटी है जिसमें हम आर्टिफिशियल चीजों की हेल्प से अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको और भी ज्यादा इन्हेंस करते हैं, हमारे जो फीचर्स होते हैं उनको अच्छे से इन्हेंस करते हैं, ना कि हम उनको वाइट करते हैं, लाइटर करते हैं, वन टोन टू टोन लाइटर करते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आप नोट कर लेना। उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि मेकअप किन चीजों से होता है एंड मेकअप करने से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारे पास टूल्स होने चाहिए। तो देखिए, मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमें स्किन का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्किन रिलेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्किन अंडरटोन का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, फेस शेप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये सारा अगर आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है तो आपका जो एडवांस लेवल है मेकअप का वो बहुत अच्छा जाएगा एंड उसमें जो है आप मेकअप परफेक्टली कर पाओगे। आपने देखा होगा कि आप में से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, या तो आपका मेकअप डार्क पड़ जाता है, या तो थोड़ी देर बाद आपका फाउंडेशन हटने लगता है, फाउंडेशन पैची होने लगता है, फाउंडेशन केकी होने लगता है, मेकअप में क्रैक्स आ जाते हैं, 2 या 3 घंटे बाद आपका मेकअप बिल्कुल हटने लगता है, पसीना जो है स्वेट बाहर दिखने लगता है मेकअप के। तो ये सारी प्रॉब्लम कब आती है? ये सारी प्रॉब्लम तब आती है जब आपको मेकअप करने से पहले की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में आपको पता नहीं है एंड जो हमारा जो स्किन का कॉन्सेप्ट है, कलर टोन है, जो फाउंडेशन या फिर मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट है उनका चुनाव करना आपको नहीं आता है कि कौन से स्किन के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट चूज करें और कौन से अंडरटोन के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। जितना एक वीडियो में पॉसिबल हो पाएगा उतना नॉलेज आपको एक वीडियो में मिलेगा एंड प्लेलिस्ट में अलग से क्रिएट कर दूंगी। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो देखिए। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब जब आप मेकअप की प्रो क्लासेस ले रहे हो तो बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो तो सबसे पहले देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन का नॉलेज दे दूं या फिर सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन अप्लाई करना दे दूं। बहुत से लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं कि अगर मेकअप सीखने का मतलब ये है कि डायरेक्ट ब्रश पकड़ो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नॉलेज अगर आपको कोई देता है तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग है। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको जो है बिफोर प्रिपरेशन करनी आनी चाहिए। ठीक है, जब आप ए से स्टार्ट करोगे तभी आप जेड पे पहुंच पाओगे एंड तभी पूरा सेंटेंस बना पाओगे। अगर आप डायरेक्ट पूरा सेंटेंस बनाने की सोचोगे और आपको एबीसीडी नहीं आती है तो आप आगे बहुत कंफ्यूजन में रहोगे। ठीक है, तो देखिए फेस मेकअप क्या है ये हमने समझ लिया। उसके बाद जो मेकअप स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक जानकारी है वो हमें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें फेस टाइप पता होना चाहिए, सेकंड हमें स्किन कलर पसंद पता होना चाहिए, थर्ड हमें स्किन कॉन्सेप्ट पसंद होना चाहिए। ठीक है, तो फेस टाइप क्या है? फेस टाइप भी कई प्रकार के होते हैं, ओवल शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है, लॉन्ग शेप में होता है, बहुत सारे शेप में होता है। तो अब आप बोलोगे कि शेप से मेकअप का क्या मतलब, फाउंडेशन तो सब में लगाना है, कॉन्टोरिंग सब में करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर आपके सामने दो क्लाइंट बैठे हैं, एक का फेस राउंड शेप में है एंड एक का फेस जो है लॉन्ग शेप में है, तो आप फाउंडेशन तो चलो सेम तरीके से लगाओगे बट जहां पे आपकी कॉन्टोरिंग आती है, ब्लश आता है, वहां पे आपका जो काम करने की टेक्निक है वो चेंज हो जाएगी। स्क्वायर शेप में अलग तरीके से कॉन्टोर होता है, राउंड शेप में अलग तरीके से होता है एंड लॉन्ग फेस में अलग तरीके से कॉन्टोर होता है। तो इसीलिए हमें फेस का जो टाइप है वो पता होना चाहिए। सेकेंड होता है स्किन कलर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है स्किन कलर की। तो अगर हमें स्किन कलर पता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने फाउंडेशन का जो है चुनाव कर सकते हैं, कंसीलर हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए एक कंसीलर पैलेट होती है, उसमें बहुत सारे शेडिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए आप क्रायलॉन की ले लीजिए, तो उसमें बहुत सारे कंसीलर होते हैं। देखिए यहीं पे मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फेस टाइप आपने समझ लिया कि फेस टाइप क्यों जरूरी होता है हमें समझना, सेकंड स्किन कलर हमें क्यों जरूरी होता है। अब देखिए ये एक
फेस बेस है ये, इसको आप एज अ फाउंडेशन यूज कर सकते हो, एज अ कंसीलर यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें कितने सारे कलर शेड हैं, ठीक है, इतने कलर शेड है एंड सबका अलग अलग नाम है एंड सबको तो आप देखिए एक स्किन पे, अगर आपके पास ये पैलेट है और आपके पास सामने क्लाइंट बैठा है और अगर आपको स्किन कलर नहीं पता, ठीक है, स्किन कलर के हिसाब से किस तरीके से फाउंडेशन आप चूज कर सकते हो वो नहीं पता, तो आप पूरा मेकअप खराब कर दोगे। आप या तो इसको ले लोगे या तो इसको ले लोगे, ठीक है। तो इसी में हमें जो है ये जो इतने सारे 6 शेड इसमें बना रखे हैं ये अलग अलग स्किन के लिए है, ठीक है, अलग अलग स्किन कलर के लिए, अलग अलग स्किन, अलग अलग कलर का जो है फाउंडेशन यानी कि बेस जो भी बोलोगे उसका ये बनाए जाते हैं, वरना तो इसमें एक ही होता है एंड एक ही हम सारे स्किन में सारे तरह के फेस में लगा सकते हैं, ठीक है। स्किन कलर भी देखिए, कोई व्हाइटिश होता है, कोई डार्क होता है, डस्की होता है, फेयर होता है, ठीक है, इसमें भी उसमें भी फिर अंडरटोन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फाउंडेशन बनाए जाते हैं अलग अलग स्किन के लिए, स्किन कलर के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिएगा एंड बैक टू बैक वीडियोस इस तरीके से आती रहेंगी। तो थर्ड है हमारा स्किन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो है हमारा स्किन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ ये प्रोफेशनल बुक्स के द्वारा प्रोवाइड कर रही हूँ एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा मेकअप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो है स्किन कॉन्सेप्ट। एंड स्किन कॉन्सेप्ट अब देखिए, आपको एक मेकअप नाइट का करना है, एक मेकअप आपको डे का करना है, ठीक है। तो आप सेम प्रोडक्ट उसमें ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, वो आपकी टेक्निक पे डिपेंड करता है, बट जो दोनों मेकअप होंगे दोनों मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आपको वही चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको नाइट मेकअप के लिए कैसा मेकअप देना है, डे के लिए कैसा मेकअप देना है, तो इसी को कहते हैं स्किन कॉन्सेप्ट। और ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है समझना, अगर आप नाइट वाला मेकअप डे में करोगे एंड डे में वो क्लाइंट सनलाइट में बाहर जाएगा तो आप इमेजिन करो कि उसका जो फेस है वो कैसा लगेगा एंड उसका मेकअप कैसे लगेगा। तो इन चीजों का नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा, फर्स्ट क्लास में हमने ये सीखा कि मेकअप क्या है। सबसे पहले तो हमने मेकअप की डेफिनेशन सीखी है, सेकेंडली हमने ये सीखा है कि मेकअप करने से पहले हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है जिनका हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो फेस टाइप, स्किन कलर एंड स्किन कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सेकेंड क्लास में आपको कल प्रोवाइड करूंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।